शिवपुरी के मनियर में रहने वाले युवक ने आज कलेक्टर से जनसुनवाई में स्थायी अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई है। युवक ने बताया कि वह 10 साल से अपना काम मेहनत ईमानदारी के साथ अस्थायी नियुक्ति के तौर पर कर रहा है, अब उसे स्थायी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जानकारी के अनुसार रूपवती सोनी निवासी मनियर रोड आराम शीन के पास ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति स्वर्गीय रामजीलाल सोनी पुत्र श्री ठकुरी लाल सोनी निवासी मनियर रोड आरामशीन के सामने निवास करते थे। वही नागरिक सहकारी बैंक में भृत्य के पद पर कार्य थे, जिनकी सेवाकाल के दौरान ड्यूटी से घर आते समय रास्ते में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वही रूपति के बेटे ने संबंध में आवेदन स्थायी अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगाया था, लेकिन उसकी अस्थायी अनुकंपा नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद वह 10 वर्षों से अपने कार्य लगन मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहा है। वहीं रूपवती ने बताया कि उसके पुत्र की अभी तक स्थायी अनुकंपा नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके चलते उसकी अस्थायी अनुकंपा नियुक्ति की जाए। बेटे को क्या नाम है तुम्हारा? रूपवती सोनी। क्या समस्या लेके आए हो? मेरे बेटे को परमानेंट करवाना चाहती हूँ। किस चीज में? नागरिक सहकारी बैंक। तो पहले क्या कोई नियुक्ति थी क्या किसी की? मेरे पति नौकरी करते थे उसमें। फिर क्या हुआ? ड्यूटी पे खत्म हो गए। अनुकंपा? हाँ। कितने समय हो गया आप लोगों को ये ड्यूटी करें? हाँ। उनको 11 साल हो चुकी। खत्म कब हुए थे? 12 साल हो। 12 साल? तो अभी तक ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपको प्रेशर वो नहीं किया? अभी तक नहीं किया उन्होंने। तो आज आप आए हो, क्या आश्वासन आपको दिया गया? मैं यही चाह रही हूँ कि मेरे बेटे को परमानेंट कर दिया जाए बस। अभी क्या करता है लड़का तुम्हारा? वही काम करता है, चपरासी का कागज, नागरिक सहकारी बैंक। अभी फिक्स नहीं है मतलब जगह? फिक्स जगह तो है, वो तो बाकी पापा की जगह पे है, परमानेंट नहीं करे वो। परमानेंट चाहती? अच्छा, परमानेंट नहीं है। हाँ भी निकाल दिया जाता। हाँ, बस यही समस्या है।